एकदम बहुत क्रंची बनता है खाने और एकदम कितना अच्छा से सीज गया है। मेरे पीछे में मर गया क्योंकि आगे में बैठते हैं। हेलो दोस्तों, लव मैरिज कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ भी होंगे दोस्तों। तो हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुल्लू देखिए हमारा हमें मार रहा है छोड़ने। अरे बेटा चोट लग रहा है। तो गुल्लू जी आप भी बोल दो गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो करके बोलता है गुड मॉर्निंग। नहीं करे ना, ये अपना गुड मॉर्निंग चेंज कर दिया है ना। छोड़ने लेके कहाँ घूम रहा है सुबह सुबह? इसको मारेगा? हाँ मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा बोलता है। हमको मारेगा, हम पापा है तुम्हारे। हाँ बोलो गंदे पापा। गंदे पापा नहीं, तुमको बोला है गंदे नहीं है समझी। जाइए खेलिए गुरु जी। तो जा रहे खेलने के लिए। सुबह सुबह नंदिनी अपना बर्तन वर्तन धो रही है और अपना किचन सजा रही है दोस्तों। बहुत दिन से नंदिनी बर्तन नहीं धोई थी, आज बर्तन धो रही है। बहुत दिन बाद बर्तन मतलब धो लिए। और ये दूध नहीं क्या? ये हर बच्चा दूध है। दूध लाई? दूध अभी नहीं आया हमारा। तो नंदिनी जाएगी दूध लाने के लिए। ज़्यादातर वहीं से नंदिनी लाती है। हम तो लाए थे 2-3 दिन और नंदिनी बोलते हम फिट हो गए तो हम जाएंगे दूध लाने के लिए। बोलो जाएगी ना? कहीं जाए जाएंगे तो चल जाएंगे जैसा बोलेगा। क्योंकि कोई बात नहीं, तुम भी जा सकते हम भी जा सकते। हम तो देख लिए, पहले हम नहीं देखे हुए थे कहाँ दूध मिलता है। अब देखिए नंदिनी 2-3 दिन जो बीमार थी, 3 से 4 दिन उसमें हम सब देख लिए कहाँ क्या मिलता है, कैसे क्या करना है किचन में, सारा कुछ सीख लिए। नंदिनी अपना किचन का काम करेगी दोस्तों। हम जा रहे दूध लाने क्योंकि अभी गुल्लू को भी खिलाना है। सुबह सुबह को दूध और सैंडविच दिया जा रहा है और फिर तो दूध रोटी इसको दिया जाता है हमेशा। तो अभी तो दूध रोटी ज़्यादा खाता है। तो चलिए धीरे मेरा लोटा दीजिए। लोटा में लाना पड़ता है दूध दोस्तों क्योंकि केन अभी तक नहीं करते हैं। खरीद लेंगे जल्दी, हम लोग भी केन खरीद लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लेके आते हैं। किचन साफ भी हो गया हमारा, बर्तन भी तो पूरा सजा लिए, आराम से हो गया। तो दूध लाने ही गए हैं, अभी तक आए भी नहीं है। और गुल्लू तो पूरा खेल रहा है पूरा घर में। आ जाओ आज खेल, आज काम भी आ गए हैं सबको। तो आज इनका लास्ट है यहाँ पे, फिर कल से नहीं आएंगे। कल से बोलते नहीं आएंगे, अब लास्ट है और सब चले जाएंगे। मतलब यहाँ आते थे तो अच्छा मन तो लगता था, बस सिर्फ केच गंदा रहता था बस, और कुछ नहीं था प्रॉब्लम। देखते हैं। आ देखिए दूध लेके आ गए। हम आई रहे थे कि क्या कर रहे हैं। सरफ भी नहीं है, सरफ भी लाना होगा। नहीं हाँ सरफ लाना होगा, तभी सरफ लाने जाएंगे। और हाँ कपड़ा भी धोना, सरफ साबुन वही सब लाना है दोस्तों। चलिए आगे लेके आते हैं उसके बाद। और अभी ए रूम भी हमको सही आना, मतलब ये देखिए ए रूम भी। अभी थोड़ा बिछौना छोना साफ कर लेते हैं उसके बाद। खिड़की तो खोलो यार, खिड़की कुछ स्मेल कर रहा है ना। कुछ स्मेल कर रहा है, पता नहीं क्या। खिड़की खोले ना, कुछ स्मेल कर रहा है तो पता नहीं। देखना होगा उस तरफ जाके। चलता तो नहीं देखता क्या है, पता नहीं दोस्तों स्मेल कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, आएगा तब तो। ज़्यादा तो मेढक ही नजर आता है। तो एक तो मेढक मर गया है, मेढक मर गया है। नंदिनी जी क्या करेगी? मेढक मर गया दोस्तों। अब तुम्हारी तो गाड़ी पे मरा नहीं, पिछवाड़ी में मरा है। बिल्ली उल्ली मारा होगा, नहीं तो खुद मर गया होगा। मेढक तो जल्दी मरता नहीं है, पर पता नहीं कैसे मेढक मेरे पीछे में मर गया। अब इसको फेंकना पड़ेगा। क्या करे? कौन फेंकेगा? कौन? आप फेंकेंगे? हम नहीं फेंकेंगे, तुम फेंकेगी। नहीं अभी मेरे वाले अब नहाना होगा। चलो फेंक के नहा लेते। आप भी फेंकेगा और अब ना अब फेंकना पड़ेगा तब कुछ करना होगा घर का। अब तो पूरा काम भी खत्म हो जाएगा ना सिविल वाला। चल चल ज़्यादा स्मेल कर रहा। रूम भी थोड़ा स्मेल करने लगा। खिड़की खोल देना इसीलिए स्मेल कर रहा। क्या करना होगा तुम्हें को फेंकना होगा। हमको फेंकने वो चलो बेटा। बोलो आपको क्या हुआ क्या करते हैं। खिड़की बंद कीजिए। खिड़की बंद कर दो। स्मेल आ रहा। चलिए देखते खिड़की बंद कर देते हैं। स्मेल बहुत कर रहा है। अब उसको फेंकेंगे तभी खिड़की खोलेंगे। अब इसको फेंकेंगे तब खिड़की खुलेगा। आगे नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाए उसको कौन करेगा। वो बाद में खाएगा। तेरे जल्दी बोलती नाश्ता बना लेंगे तब उसको फेंकाएगा। फिर जान लेना क्या बना रही। क्या नाश्ते में क्या बना रही। चावल का छिलका प्याज व्याज काट लेते हैं। चलिए अभी ये बनाएगी फिर उठा का काम करेंगे। उसको मेरे को भी अजीब लग रहा है। खिड़की तो बंद कर दिया। अब इसमें उसमें नहीं आने वाला है। चलिए अब नंदनी अपनी तैयारी कर रही है नाश्ते का। इसमें क्या किए हैं चावल को भिगा के इसमें 3-4 कली मिर्चा और लहसुन ले लिए हैं। मतलब पीस दिए हैं चावल के साथ में। देख सकते कितना ऐसा पेस्ट बना है। और इसमें देखिए प्याज और एक टमाटर और ज़्यादा कुछ नहीं और नमक ऐड करना है। आप इसमें जमाइन भी ले सकते हैं जो ज़्यादा मतलब थोड़ा खाने में ज़्यादा वेस्ट लगे। थोड़ा क्या बोलते हैं स्वाद आ जाए। तो चलिए आगे हम कर लेते हैं दोस्तों। तो बाकी का मसाला जो हम हल्दी दे दिए हैं और मंगर जो जमाइन होता है जमाइन दे दिए और नमक दे दिए हैं और थोड़ा सा मीट मसाला दे दिए हैं। और थोड़ा क्रंची करने के लिए हम थोड़ा सूजी दे दे रहे हैं। टमाटर और मिर्चा को एकदम महीन महीन काट लिया। एकदम पतला पतला कि ज़्यादा मोटा ना रहे। और देखिए और ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा सा नायम सूजी की क्रंची होने की बस। देखिए अब हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा तब तक तावा गर्म हो रहा हमारा। उसके बाद जल्दी से बनाएंगे और जल्दी से खा के फिर दवाई खाना है इनको नाश्ता। उल्लू भी किचन में पूरा परेशान हो रहा है दोस्तों। देख रहे क्या चाहिए पता नहीं। क्या चाहिए तुमको क्या चाहिए किचन में क्या चाहिए बोलो। हमारा तेल हमारा गरम हो गया है पैन। अब इसमें गरम लगा देते हैं। अब ये देखिए हमारा पेस्ट एकदम बहुत क्रंची बनता है। खाने में भी मज़ा आता है और क्रंची लगता भी है। आप बना सकते हैं अपना नाप के डोसा जैसे। हम अपना डोसा ही बना रहे हैं। पूरा डोसा जैसा लग रहा है नंदनी आज बना रही है कुछ खाने के लिए। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है पिज्जा ऊपर टमाटर मटर सब प्याज बन सकता है। पिज्जा तो पिज्जा भी बोल सकते हैं क्या। हाँ तो अभी जब तक पूरा आराम से ये ना हो जाए पूरा जो होता है ना पूरा सीज जाएगा। उसके बाद इसको हम पलटे करेंगे। देख सकते हैं पूरा चारों पट्टी से हमारा पूरा सीज गया है। अब इसको हम पलटे हैं एकदम लग रहा है ना कि डोसा जैसे बना पिज्जा पिज्जा। इसमें हम हल्का हल्का और तेल दे देंगे कि चारों पट्टी से सीज जाएगा। तो चलो चलिए दोस्तों इसी तरह से सारा हमको बनाना है नाश्ता। चलिए बना के मिलते हैं। तो देख सकते हैं हमारा 4 ही रोटी निकला। देख सकते हैं इसमें से 2 मतलब क्या हो गया ना पतला पतला ज़्यादा बना दिए तो टूट गया। तो आशीष जी क्या किए एक बार में ज़्यादा बना दिए। बोले कि एक ही बड़ा रोटी खाएंगे। देख सकते हैं कितना बड़ा है और एकदम कितना अच्छा से सीज गया है ना जी। ये पिज्जा इसमें से और लगा देते टमाटर टमाटर का कितना अच्छा लगता है। नीचे तो लगाओ ना टमाटर। हाँ नीचे तरह से पूरा बनाना है तो हमारा सब बन के रेडी हो गया। देखिए नाश्ता झाड़ू भी सोचे हम लोग मार लिए। उधर सारा काम भी करें। बस नहाना है और कपड़ा धोना। नहीं नहाना है उसको साफ कौन करेगा मेढक को। ऐसा दिन सावन का दिन में भी ऐसा हो रहा पता नहीं दोस्तों। हम लोग अभी सावन का दिन में मीट मच्छी है सबसे एकदम दूर है पर क्या करे सब करना पड़ेगा, घर में भी एक आवाज करनी पड़ेगी। बेचारा को तोप देंगे, तोप देगी, तोप देगी, गड्ढा करके तोप देंगे, क्या तोप देगी, जरूरी नहीं यार, मत करो, तोपेगी। बन जाता है, हम बरस कर ले रहे हैं। चलिए हमारा तो बन के रेडी हो गया, नंदिनी बरस करेगी और नाश्ता करके अभी दवाई खाना है नंदिनी को। थोड़ा जल्दी करो तुम, तो सुबह का दवाई टाइम से खाएगी तो जल्दी। अभी देखिए नंदिनी रिकवर भी कर रही है कि टाइम से दवा खा रही है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करेगी नंदिनी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए जाइए जल्दी करके आइए, मुझे बताइए। बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देखने में देख सकते हैं। और टमाटर सॉस और चिली सॉस ये दोनों के साथ खाएंगे। तो चलिए गुल्लू जी आप पे आ जाइए, आइए गुल्लू जी आप पे आइए, गुल्लू जी आइए। चलिए थाली दिखाओ, थाली दिखाओ उसको, थाली दिखाओ, अपने आएगा। आइए बेटा जी, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, खाएंगे हम लोग। आ गया हमारा गुल्लू भी खाएगा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, काम से खाया बोलोगे, पार्टी मार के बैठो, पार्टी मार के बैठो। पापा के साथ हम लोग खाना ना, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध ज्यादा नहीं पीते, रोटी के खाओ। चलिए थोड़ा देर गुल्लू को भी खाएगा। आगे हम अपना यूट्यूब फैमिली आप लोग आगे खा लीजिए हमारे चावल की रोटी, चलिए छिलके वाले। गुल्लू को तो थोड़ा टूट भी गए तो टूटा ला दो गुल्लू को, खाओ ना लो, हाथ में पकड़ो, ऐसे पकड़ जाए तो चला गया। चलिए दोस्तों हम लोग भी खाते हैं और खा के मिलते हैं आपसे फिर। इसके बाद नंदी को बहुत काम है, अभी भी आपको पता है, एकदम क्रंची बना है, आवाज भी आ रहा है कड़कड़, एकदम क्रंची है। नाश्ता गजब बनाते हैं आप लोग तो पता है, नंदी जो भी बनाती मस्त बना रही है। आप लोग सुबह का नाश्ता यही बनाइए, शॉर्टकट में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों खाते हैं फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड नाश्ता हमारा हो गया, दवाई अभी तक खाए नहीं, थोड़ा आराम कीजिए, 5 मिनट के बाद तो नाश्ता हो गया है। अभी यहाँ ढलाई होगा, ढलाई का और गाड़ी भी अब आसान होगा यहाँ पे लाने में, जो मतलब क्या होता है वहाँ खिचखिच खिचखिच हो जाता है ना, तो यहाँ जल्दी से घुस जाएगा, पूरा ढलाई हो जाएगा। होगा ना ढलाई बाहर में, पूरा मट्टी है, देखिए कितना है, किस तरह से मट्टी है। बस बस यहीं पे ढलाई होगा और कहीं भी नहीं होगा, उधर भी नहीं, बस बाहर का जो ईटा सब है यहाँ पे लाके रखा जाएगा ना, बाकी सारा आज काम हो जाएगा। गाड़ी की दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आराम से यहाँ पे कादो भी नहीं होगा, छत हो जाता थोड़ा अच्छा, पानी नहीं गिरता हमारे गाड़ी से, कवर लाना होगा, कवर लाना होगा। और ये सब में तो अभी ईटा रखाएगा, मतलब जो टुकड़े टुकड़े ईटा है ना बाहर में, वही सब रखाएगा। और देखिए वहाँ पे इतना सारा बचा है ना, ईटा सब है, बाहर गिट्टी सब है, वही सब रखाएगा। और इधर आज पूरा आप इधर हो जाएगा, कितना बजे आज पूरा दिन भर लग जाएगा ना, आज दिन भर लग जाएगा, आज काम खत्म हो जाएगा। चलिए मेढक फेंकने चलिए, मेढक हम फेंकने जाएंगे, आप बोला गाली से फेंकेंगे कि बोलते हैं मेढक फेंक देंगे आराम से, मेढक कैसा आपको फील लग रहा? दोस्तों देख सकते हैं बेटा कैसे फेंका रहा है, मेरा ऊपर इधर फेंक दिया, देखिए इतना दूर फेंका के बेटा। कैसा लगा आपको फील, हाँ कैसा लगा? ज्यादा हो रहा है नंदिनी का दोस्त। गुल्लू बेटा क्या कर रहे हो? देखिए हमारा गुल्लू शेर क्या कर रहा है, नानी मोनी देख रहा है ना, हाँ क्या कर रहा है वहाँ, नानी मोनी देख रहा है गुल्लू, सब साफ करेंगे। अभी पूरा पहले इधर का काम हो जाएगा। तो गुल्लू जी आ गया खिड़की पे, देखे थे खिड़की पे आ गया मेरा बेटा। नाच भी रहा है गुल्लू, नाचेगा गुल्लू, नाच नाच बेटा नाच। गुल्लू नाच ले, नाच ले, नाच 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 नाच। आठ गुल्लू नाच रहा है। चलिए हमारा काम सब पूरा हो गया, फिर फाक दिया। अब नहाना पड़ेगा मेरे को, हम यही नहा लेते हैं दोस्तों। जाओ तुम लेकर जुगाड़ भाई, तो घुटने तो नहीं देगी नंदिनी यार। क्या होता है वहाँ से गुल्लू बुला रहा, देखिए। तो अब नहाएंगे धोएंगे, किसी देखे लिए क्या काम किए अभी हम। तो नहा धो के यहीं पर नहा लेंगे, फिर अब चलते हैं। ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब घर नहीं जाना है ना। तो चलिए एंड कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को दोस्तों, और बेल जरूर दबाइएगा दोस्तों। अच्छा लगा हुआ वीडियो तो कोशिश करते। अच्छा आज हमारा काम पूरा खत्म हो जाएगा, आज पूरा खत्म हो जाएगा। घर पूरा साफ करेंगे हम, कल देखिएगा आप। कल परसों तक मेरा घर पूरा चकचक मिलेगा आपको, कहीं भी गंदा नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, गुल्लू जी तो अपना खिड़की पर हम लोग का वेट करेंगे, कब आएंगे अंदर। अभी नहाएंगे उसके बाद। हाँ बेटा, अरे नहा दो के ठीक। देखिए खिड़की से झाँकता है, उठेगा कांच से झाँकेगा। क्या हो रहा बाहर ना। हाँ बेटा, तुमको तो सब जानते हैं, मतलब बदलाव देते हो। चलिए दोस्तों, बाय।